था स्वर्ग के पहले जन्म में पूरी रूप से आते हैं, इसका मतलब विजयमाला के मन में पहले जन्म में नहीं आएंगे। विजय माता के मन के अपनों को सुसंतियों के सामने झुकाए देते हैं या नहीं झुकाते हैं, सरेंडर करते हैं या नहीं करते हैं? तो जो पहले ही सरेंडर कर देते हैं वो सुसंती बन जाते हैं। लेकिन कन्या और कुल की होती है और वर और कुल का होता है, परंतु कन्या की जब सगाई हो जाती है, शादी हो जाती है, तो संग के रंग से वो भी पलट जाती है, खुद ही बदल जाता है। ये परंपरा कहाँ से पड़ी होगी? जब बाप आते हैं तो तीन धर्मों की स्थापना करते हैं, देवता धर्म, खेल होते हैं तो चंद्रवंशी, और वो देवता बनने से पहले होते हैं ब्राह्मण। जो पक्के पक्के ब्राह्मण बनते हैं वो देवता बनते हैं। तो तीन धर्मों की स्थापना करते हैं, ब्राह्मण धर्म, देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म। क्षत्रियों को चंद्रवंशी कहा जाता है। सूर्यवंशी देवताओं को कहा जाता है। पक्के ब्राह्मण है तो पक्के सूर्यवंशी देवता। जो देवता नहीं बनते हैं फिर वो और वंशों में चले जाते। बाप आकर के इस्लाम वंश आदि की स्थापना नहीं करते। ब्राह्मणों की कोई राजा ही नहीं होती, राजधानी नहीं होती, देवताओं की राजधानी होती है, उसे सूर्यवंशी कहा जाता है। सूर्यवंशियों में कृष्ण जन्म लेता है और चंद्रवंशियों में राधा का जन्म दिखाती है। दोनों का स्वयंवर होता है तो राधा का कुल बदल जाता है, राधा भी सूर्यवंशी हो जाती है, लक्ष्मी नारायण का राज्य कहा जाता है। बाबा, ये जन्म में जिंदगी अच्छा नहीं चलता है, फिर अगले 5,000 साल के बाद वैसे ही चलेगा। आप जहाँ से आए हैं वहीं वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे ना, जो जहाँ से आता है वहीं उसको वापस जाना होता है। इस दुनिया का एक एक कण का साइकिल बना हुआ है। जो कण जहाँ से शुरू होता है 5,000 वर्ष के बाद वही पहुंचता है। वो बहु रिपीटेशन है, उसमें भी 2,500 वर्ष की मनुष्य को हिस्ट्री मिल रही है और 2,500 वर्ष की हिस्ट्री का पता ही नहीं है, क्योंकि 2,500 साल पहले आधा विनाश शक्ति का हुआ था, सारी उतर पतल हो गई है। शंकरी तो पहले से ही होता है, लेकिन साकार शरीर में सूक्ष्म शरीर मन होता है।
एक्सीडेंट होने पर साकार शरीर अचानक छूट जाता है और सूक्ष्म शरीर रह जाता है। सूक्ष्म शरीर वाले को फिर कोई में प्रवेश करके पाठ बजाना पड़े। अचानक मौत उन्हीं का होता है, अकाले मौत उन्हीं का होता है, एक्सीडेंटल मृत्यु उन्हीं की होती है जो जाति पाप करते हैं। भूत प्रेत कहे जाते हैं। भूत प्रेत बनना एक फर्स्ट क्लास योनी है। भगवान भूत प्रेतों में नहीं आते, किसमें आते? साकार में आते हैं या आकार में आते हैं? साकार में आते हैं। भूत प्रेत योनियों को भटकना पड़ता है। कितने भी दूसरे दूसरे धर्म संप्रदाय वाले हैं वो देवताओं को नहीं मानते हैं। तो मानते वरिष्ठाओं को मानते वो भूत प्रेतों की उच्च श्रेणी है, उनको मानते भारतवासी देवताओं को मानते। पूजा को निष्कर्ष पूजा माना जाता है। ये गीता में लिखा है भूत प्रेतों की उपासना करने वाले भूत प्रेत योनि में जाते हैं, देवताओं की उपासना करने वाले देव योनि में जाते हैं। देव योनि कौन सी युग से होगी? सतयुग से होगी। और मेरी उपासना करने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं। वो कौन से युग की बात है? वो संगम युग की बात है। तो उसकी श्रेणी की उपासना करने वाले कौन हुए? देवता हुए, भूत प्रेत हुए, या सूर्यवंश के हुए? जो डायरेक्ट ज्ञान सूर्य से प्राप्ति करते हैं वो ही सूर्यवंश की बाप के बच्चे हैं। बाकी जो पिछाड़ी में कन्वर्ट होंगे अपने को परिवर्तित कर सकेंगे, देव हम का छिड़का उतार सकेंगे, उनको ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, परम धाम में रहना पड़ेगा। इसी शरीर से सदगति को प्राप्त नहीं कर सकते। चंद्रवंश से लेकर के इस्लामी बौद्ध आदि जो भी वंश वाले हैं वो उस गति को प्राप्त नहीं कर सकते। आलराउंड पार्ट नहीं बजा सकते क्योंकि जमीन जन्म ही कम हो जाते, आत्मा की कला ही कम हो जाती। बाद की दुनिया में आकर के जन्म लेते हैं तो शूटिंग पीरियड में ज्ञान में भी बाद में आते। इनको ज्यादा श्रद्धा भावना बैठी होती है जन्म जन्मांतर की, उनको इन आंखों से दिखाई भी पड़ता है। जैसे हनुमान के ऊपर जिनकी श्रद्धा है तो उनको कौन दिखाई पड़ जाता है? हनुमान दिखाई पड़ जाता है, सबको नहीं दिखाई पड़ेगा।
पहले ब्राह्मणों में जब कास्ट की चेंज थी तो ऐसे होता था, अभी तो सात तमो प्रधान बन पड़े। बुद्धि सूक्ष्म होती है,
प्रजा पिता साकार वचन वासी पति मनुष्य का नाम आकारी स्टेज बनी होती है तब कहते हैं शंकर और तीनों देवताओं की नंबर वार आकारी स्टेज प्रजा कितनी है टोटल 507 करोड़ मनुष्यों की प्रजा है तो सारी प्रजा का भार प्रजापिता के ऊपर या बता कि सृष्टि में पतित प्रजा है तथा प्रजापिता वापस नहीं जा सकता पतितों का भी बाप है जब टर्न लेता है तो एक सेकंड में ब्रह्मा तो क्या बन जाता है विष्णु बन जाता है प्रजापिता का दिन और रात नहीं गया हुआ है इसका दिन और रात गया हुआ है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात के लिए जाती है पहनी कहते हैं योग में एक सिक्का होता है जो बहुत कम कीमत का होता है उससे कम कीमत का कोई सिक्का नहीं होता है और बर्थ कहते हैं कीमत बर्थ नाते पहनी माने एक पेन की भी कीमत नहीं एक पैसे की भी कीमत नहीं बाबा अभी कैसे में बताया मुसलमान लोग बड़े बड़े ताबूत बनाते हैं ताबूत बनाते ताजिया मुसलमान लोग ताबूत उठाते हैं बड़े बड़े दिखाते हैं कि हमारे धर्म पिता ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी उठाई फिर बाद में उन ताबूत को ले जाकर समंदर में या नदी में डुबो देते जैसे अपने यहाँ देवियों को बहुत ऊंचा उठाते हैं गणेश को बहुत मान देते हैं फिर क्या करते हैं फिर डुबो देते मतलब सच्चाई का पता लगता है तो डूबी जा डूबी जाऊंगा कहाँ ये बुद्धि की बात है क्या ये बुद्धि कतोपकान बनती है तो ना दुख लेती है और ना दुख लेती है दुख की दुनिया रहती है या नहीं रहती दुख की दुनिया तो रहती है लेकिन आत्मा दुख ग्रहण नहीं करती और दूसरों को तो देती भी नहीं इसके लिए मनुष्यों ने गीता में भी लिखा हुआ है यस्मान नोत्सृजते लोको लोकान नोत्सृजते च जो आत्मनिष्ठ समझ जाता है वो कोई से उद्योग को प्राप्त नहीं होता वो उसको उत्तेजित करना चाहे तो उत्तेजित नहीं होता और ऐसी कोई बात नहीं बोलता ऐसा कोई कर्म भी नहीं करता जिससे कोई दूसरे को उत्तेजना पैदा हो जाए दिक्कत ही पैदा हो जाए
दुखी होना और सुखी होना और सुखी होना ये ऊपर नीचे की स्टेज नहीं होती है। सदैव एक रस कहते हैं आत्मनिष्ठ स्वरूप अनिष्ठ स्वयं स्थिति में स्थित होने वाला स्टेज ऐसी है कि कहते हैं जीवन मुक्त जीवन भी है लेकिन दुख दर्दा उससे मुक्त है। ज्ञान का मतलब ही है प्रैक्टिकल जीवन और भक्ति का मतलब ही है आर्टिफिशियल जीवन। तो और सब धर्मों में है आर्टिफिशियल और यहां भी अगर कथनी करनी एक नहीं है तो भक्ति है या ज्ञान है। रावण भी प्रकांड विद्वान था। रावण को वेद शास्त्र आत्म में सिखाए जाते ब्रह्मा को भी वेद शास्त्र आत्म में सिखाए जाते। रावण की भी पूजा नहीं होती है और ब्रह्मा की भी पूजा और मंदिर मूर्तियां नहीं होती है। क्यों मानने का नहीं है? क्योंकि प्रैक्टिकल जीवन में नहीं है सिर्फ कथनी कथनी है। ज्ञान सुनने सुनाने मात्र तक मौजूद है उसको गहराई से समझा नहीं गया दिल की तह तक उतारा नहीं गया ऊपर ऊपर सुन लिया ऊपर ऊपर दूसरों को सुनाई दिया तनरस ले लिया तनरस दे दिया। ज्ञान में तो सब कुछ प्रैक्टिकल होता है। हर धर्म में पैराडाइज की बात करते हैं जन्नत की बात करते हैं स्वर्ग और वैकुंठ की बात करते हैं लेकिन स्वर्ग में जाता कोई भी नहीं है। कोई भी धर्म में कोई स्वर्ग में जाता है क्या? सारे संसार की दुनिया में ही जन्म लेते रहते और बाप के बच्चे तो प्रैक्टिकल स्वर्ग में जाते हैं प्रैक्टिकल में अनुभव करते हैं। नाम ही है स्वर्ग गमने गया स्वमाने स्वयं स्थिति में स्वयं स्थिति में स्थित हो गया मैंने देवान खलास हो गया उसको दुखदर्द आ नहीं सकता वो
दूसरों को दुखी कर नहीं सकता। तमो प्रधान आत्मा दुखी होती रहती है और दूसरों को दुखी करती रहती है। पत्ते का मिसाल ज्ञान में और भक्ति में कहाँ दिया जाता है? मिसाल दिया जाता है नहीं आ रहा। पीपल पात कर मन डोला, मन रूपी ब्रह्मा कैसे डोला, पीपल के पत्ते की तरह डोला। ये मन बहुत चला है, मन है पीपल का पत्ता होता है, थोड़ी सी हवा का झोंका आएगा और जोर से हिलेगा। बड़ा का पत्ता इतनी जोर से हिलता है क्या? नहीं हिलता है। बड़ा जो वृक्ष है वो मनुष्य शक्ति का बीज है। बीज में और धरणी में बहुत अंतर होता है। बीज बाप को कहा जाता है। तो ब्रह्मा की तोल जब कृष्ण के रूप में जगदम्बा में प्रवेश करती है तो वो 100 वर्ष का ब्रह्मा मृत्युलोक में खलास होने के बाद पीपल के पत्ते की नरैया पर अपना गर्भ महल तैयार करती है। वो पीपल का पत्ता है जगदम्बा। इतनी हल्की पुल की नवैया है परंतु उस पर मिठैया बहुत तेज था। समय कृष्ण कन्हैया और उसका खिवैया है परम पिता परमात्मा। इसलिए पीपल का पत्ता पूजा जाता है, पीपल का वृक्ष भी पूजा जाता है। कहते ब्रह्मदेव है बाबू ने बाप कराने का हरण करने के लिए बाप आया हुआ है। बच्चे ज्यादा पापी और ज्यादा पुण्यात्मा बनते कि मनुष्य शक्ति का जो पिता है वो सबसे ज्यादा पापी और सबसे ज्यादा पुण्यात्मा बनता है। कौन बनता है? बाप बाप होता है और बच्चे बच्चे होते हैं। बच्चे बच्चों जैसा काम करेंगे और बाप बाप जैसा काम करता है। तो दुनिया नीचे गिर रही है, बच्चे दुनिया को ज्यादा नीचे गिराने की ताकत रखते हैं या बाप ज्यादा नीचे गिराने की ताकत रखता है? पतित दुनिया कब पावन बनेगी? संपूर्ण पतित होने के बाद पावन बनेगी या अधूरी पतित होने के बाद पावन बनेगी? तो तुम तेजी से पकड़ के गर्त में नहीं ले जा सकेंगे। और बाप तेजी से पतन के गर्त में ले जाते हैं ताकि बच्चों को ज्यादा दुख सहन न करना पड़े, नहीं तो विनाश में प्राय प्राय करते रहेंगे लंबे टाइम तक। ये बाप बाप
में पाप बढ़ाने का रहम करने आए हैं। पाप को रहम आता है, ये कब तक तड़पते रहेंगे? जैनियों में भी जैसे हिंदुओं में चार युग माने जाते हैं, जैनियों में कृष्ण के छह आर्य माने जाते हैं। जैनियों का एक कल्प होता है जिसे कहते हैं सनत कुमार कल्प, उनमें दिखाया है तो उनमें बहुत जाति सुख भोगने की ताकत है और बहुत जाति सुख भी भोगने की ताकत है। ब्रह्मा ने शक्ति रखी और जो पहला पहला धर्म स्थापन किया तो किसके नाम पर धर्म स्थापन हुआ है? सनत कुमार जो ब्रह्मा का बड़ा पुत्र है, पहला पहला पुत्र, उसके नाम पर सनत कुमार कल्प नाम दिया है। सनत कुमार से सनातन धर्म बनता है, जैसे क्राइस्ट से क्राइस्ट इसके अंदर शिव से शैव, विष्णु से वैष्णव, वो सृष्टि की बीज रूपात्मा है। सबसे ज्यादा पावरफुल जैसे नवग्रहों में वृक्षपति वृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, सभी ग्रह इकट्ठे कर दिए जाए और बृहस्पति एक तरफ रखा जाए तो ज्यादा वजन किसका होगा? बृहस्पति का ज्यादा वजन। नदी के किनारे पूजा क्यों होती है? छठ पूजा करते ना भी आदि है क्यों? मुख किसको दिखाए जाते हैं? कोई ऐसा देवता है जिसको छह मुख दिखाए जाते हैं? षटमुख, षटमुख कहा जाता है, है? काठ के गति सगति मुझी हुई है नदी के द्वारा। संपन्न के द्वारा विनाश होता है
अधूरे के द्वारा भी नाश होता है। ये शंकर कहा ही नहीं जाता अगर उसमें से अर्ध चंद्रमा निकाल लिया जाए। अध्या पिता को शंकर नहीं कहेंगे। प्रश्न आया है ब्रह्मा अधूरा रूप है, इसलिए शंकर के मस्तक में अधूरा चंद्रमा दिखाते हैं। अधूरा चंद्रमा मस्तक में दिखाते हैं कि चार हाथ पर शंकर है। बिल्कुल चंद्रमा सिर्फ दिखाते हैं, चंद्रमा ने प्रवेश किया इसीलिए शंकर है, या शिव भी प्रवेश है इसलिए शंकर है कि नहीं। ये अधूरा चंद्रमा प्रवेश है तो शंकर है। जब तक शंकर में प्रवेश है अधूरा चंद्रमा तब तक शंकर पुरुषार्थी है। जब अर्ध चंद्रमा संपूर्ण बनेगा शंकर में प्रवेश नहीं दिखाते। प्रवेश होता किस लिए? उनको अपना शरीर तो रहा नहीं तो इसलिए प्रवेश होता है। पढ़ाई पढ़ने के लिए प्रवेश होता है, पढ़ाई पूरी हो गई तो स्कूल में बैठने की दरकार है नहीं। तो संपूर्ण चंद्रमा को शंकर में प्रवेश नहीं दिखाते तो फिर शंकर का संपन्न रूप का चित्र कौन सा है? अरे शंकर तो सदैव भी संपन्न है, कभी अनिश्चय बुद्धि है क्या है? नाम जो पड़ता है वो शरीर के ऊपर पड़ता है या आत्मा के ऊपर नाम पड़ता है? शरीर के ऊपर नाम है, मूर्ति के ऊपर नाम है, अमूर्ति के ऊपर नाम नहीं है। अमूर्त के ऊपर बिंदी के ऊपर सिर्फ एक का ही नाम है। किसका? सेवक। मेरी बिंदी का ही नाम जो कभी बदलता नहीं। वो बिंदी भी जब शरीर में प्रवेश करती है तो नाम बदल जाते। है शंकर का संपन्न रूप भक्ति मार्ग में कौन सा दिखाते? शंकर के दो रूप दिखाते हैं, एक दाढ़ी ऊंच वाला काला काला भुजंग जैसा ऐसा चित्र बनाया है, मुर्गी बोला है। शंकर का भक्ति मार्ग में ऐसा चित्र बनाया है जैसे रावण। तीन केस भी दिखाया है, तीन केव है संपूर्ण रूप है। और संचर में बाप प्रत्यक्ष होते हैं। तो बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होते हैं, दुनिया के सामने नंबर बार बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होते हैं। अधूरा बाप है कि संपूर्ण बाप है? अधूरा बाप। चंद्रमा अधूरा है लेकिन शिव बाप तो सदैव पूरा ही है। शिव शंकर को मिला के एक तप किया जाता है। जब बच्चा बाप समान इस तेज को धारण कर लेता है तो बाप और बच्चे को भक्ति मार्ग में मिलाकर एक नाम दे दिया। क्या नाम दिया है? शिव शंकर भोलेनाथ।
शिव बाप बड़ा गृहस्थी है बाबा है, शिव बाप बड़ा गृहस्थी है, हिंदी में बना हुआ शिव बाप बिंदी का नाम है, वो गृहस्थी नहीं होता है, गृहस्थियों का पालन करता है। शिव बाप जगत साकार में प्रवेश करता है तो बड़ा गृहस्थी, शिव नाम है बिंदु का, वो गृहस्थी नहीं है, वो अकेला है, गॉड इज वन, उसको दो नहीं कह सकते। जब आता है तो भगवान भगवती गृहस्थी बनाता है, वास्तव में भगवान भगवती कहना भी रंग है, क्योंकि सत्य एक है। भगवान भगवती जब कहे तो नारायण को सत्य नारायण कहे या लक्ष्मी को सत्य लक्ष्मी कहे, क्या गायन है? सत्य नारायण का गायन है, सत्य लक्ष्मी का गायन नहीं है। प्रवृत्ति तो है लेकिन उस प्रवृत्ति में सदा सत्य एक ही है, वो एक पर्सनालिटी मानी जाती है, सत्य नारायण की कथा है। सबसे ऊपर प्रकाश मणिदा जी, ऊपर शिव और नीचे प्रकाश मणिदा जी, फिर दूसरा नंबर जानकी दादी और तीसरा नंबर तो तीन मूर्ति हो गई ना, शंकर तो होता ही नहीं, शंकर और विष्णु का पाठ कौन बजाता है, हम ही ब्रह्म है, हम ही विष्णु है, हम ही शंकर है। भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं, ब्रह्मास्मि शिवो हम कहते हैं ना, तो ये त्रुटि कौन करता है, शूटिंग करने वाला कोई तो होगा, जो शूटिंग करते हैं उनका चित्र दिखाया होगा। अब ऐसे तो है नहीं, तीन मूर्तियां दिखाते हैं तो कहीं दिखाई देते हैं ब्रह्मा की तीन मूर्तियां हैं, ब्रह्मा की ही अगर तीन मूर्तियां तो एक शक्ति कहना चाहिए, वास्तव में तीन मूर्तियां हैं, एक आदि ब्रह्मा, आदि ब्रह्मा के बाद अंत में जब संपूर्ण बनता है तो क्या कहते हैं, ब्रह्मा तो, और ब्रह्मा को एक का नाम तो नहीं है, चार चार पांच पांच ब्रह्मा दिखाए, तो जो भी पुरुषार्थ के रूप में ब्रह्मा का है जब संपन्न बनते हैं तो विष्णु का रूप बन जाते हैं, चार भुजाओं वाला, उन चार भुजाओं को चलाने वाला एक बाप भी है। जय चलाने वाला चाहिए ना, ये अपने आप चलेंगे, चलाने वाला चाहिए, इसलिए विष्णु को भुजाएं दिखाते हैं, अनेक सिर नहीं दिखाई, सिर कितने दिखाई, एक, क्या बात है, चलाने वाला एक है और सहयोगी सहयोगी चार चार, और रावण को
दिखाई है, कई योगी भी अनेक दिखाए हैं और चराने वाले भी अनेक दिखाई। तो अंतर पड़ जाता है। चार मुख भी दिखाते तो पांच मुख भी दिखाते, पंचमुखी महादेव भी कहा जाता है, चौमुखी महादेव भी कहा जाता है। कंपिल में जो मंदिर बना हुआ है वो चार मुख वाला महादेव बना हुआ है। लिंग में चार मुख दिखाए, जैसे चार ब्रह्मा दिखाते हैं ऐसे ही चार मुख दिखाए। और नहीं, कृष्ण का आत्मा जो है वो त्रिमुखी में शामिल नहीं है। जगदम्बा जो जितने आदि में सुना और जितने आदि में सुनाया, पहले पहले कितने सुना और कितने सुनाया, बाबा को तो साक्षात्कार हुए, लेकिन उन साक्षात्कारों को कितने सुना और कितने सुनाया। जगदम्बा ने सुना और सुनाया भी, और फिर उसका जो अर्थ सुना उसको रिपीट भी किया। तो सुन करके जो सुनाया उससे एक सबका बच्चा पैदा हुआ। लेकिन दो माताएं थी, एक माता नहीं थी, माना त्रिमूर्ति में तीन मूर्तियां थी, दो माताओं के रूप में और एक पिता के रूप में। जो दो माताएं थी उनमें एक सिर्फ सुनने सुनाने वाली थी, वाक देवी थी, वाचा की देवी है, समझने और समझाने वाली नहीं है। अगर आदमी ही समझने और समझाने वाली होती तो अंत में भी आदि तो अंत में भी समझने और समझाने वाली होनी चाहिए। और जो अच्छी तरह समझने और समझाने वाली होगी बाप के रूप को, उसका रूप क्या होगा, आज में भी नहीं समझा तो छोड़ दिया, इसका सहारा लिया। आदि माता ने किसका सहारा लिया है? ब्रह्मा बाप का सहारा लिया। और अंत में भी वही जगदम्बा जब तामसी रूप धारण करती है तो चंद्रमा प्रवेश दिखाया हुआ जाता है महाकाली। ये बोला मेरे साथ रहने वाले मेरे को नहीं पहचान सकते, इतना साथ रहते उनकी यादगार मेला मनाया जाता है भक्ति बांधी। सबसे बड़ा मेला किसका लगता है? जगदम्बा। इतना मिलन मेला मनाया है, जो सबसे बड़ा मेला जगदम्बा का लगता है उतना मिलन मेला और कोई ने मनाया ही नहीं। इतनी ताकत
प्रकृति कैसी प्रति प्रति माने रचना कैसी प्रति प्रकृति प्रमाण प्रकाश बहुत ताकतवर इतनी पावर भरी है संग के रंग की इतनी पावर और कोई में होती नहीं माया में भी इतनी पावर नहीं है टाइटल भले मिला हुआ क्या शक्तिवान का टाइटल मिला हुआ है लेकिन माया भी बाप के जो एडवांस पार्टी के बच्चे हैं रुद्रमाला के मर के हैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती जब तक प्रति से हाथ न मिला जैसे अपने सवाणी में अभी बोला हुआ है क्या बोला है स्कूल कभी छोड़ने के बाद प्रकाशमणि दादी ने या प्रकाशमणि दादी से प्रकृति ने हाथ मिला लिया हाथ मिला लेना मना लोग से एक हो गई जो बाप को नहीं पहचान पाते वो बाप के विरोधी हो जाते हैं बाजा और कर्म इंद्रियों से या बाप का सहयोग करते विरोधी हो जाते हैं और माया तो पहले से ही अपोजिशन में खड़ी हुई है तो दो दुश्मन होते हैं देखते हैं हमारी ताकत कम है तो क्या करते हैं दोनों मिलकर एक हो जाते अब दोनों के मिलने से एक होने से बाप का नुकसान होगा या बच्चों का नुकसान होगा बाप तो है ही प्रकृति पति प्रकृति हलचल में लाएगी और प्रकृति पति आचल हो जाते तो बच्चे नंबर वार चले जाते पद का विनाश हो जाता और जिसने ये प्रश्न किया है उससे पूछा जाए कि सच भी कैसे जन्म लेते हैं या संगम भी कैसे जन्म लेते हैं बताओ भाई कौन से कृष्ण की बात इसमें लिखी है संगम युग में कृष्ण ही कैसे जन्म लेता है अरे संगम युग जब तक रहेगा तब तक पतित दुनिया रहेगी या नहीं रहेगी तो साकार में पावन शरीर कहां से आ जाएगी पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं होता और पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं होता पांच सदी 2018 में कोई के पावन हो जाएंगे या बुद्धि पावन हो जाएगी बुद्धिमानों की बुद्धि है केवल बाप तो वो बुद्धि को आके पावन बनाता है
यह प्रकृति के पांच तत्वों को पावन बनाता है, वो बुद्धि को पावन बनाता है ज्ञान से, और जिसमें प्रवेश करता है वो पांच तत्वों वाला बाप है। कौन? प्रजा के दल। तो जो पांच तत्वों वाला है वो बुद्धियों की पावन से अपने शरीर के पांच तत्वों को जब पावन बना ले, तब पांच तत्वों से पावन बने सतो प्रधान शरीर वाले कृष्ण का जन्म देवेगा। और जब तक इस दुनिया में पांच तत्व तमो प्रधान है तब तक राधा कृष्ण के सतो प्रधान बच्चों का जन्म नहीं हो सकता। तो गलत हो गया, जवाब देने वाला जवाब दे नहीं रहा है कि कंचन जी के सिंह की बात है या सती जी के सिंह की बात। अच्छा कौन कौन समझते हैं, हाथ उठाओ कि 2018 में संगम भी कृष्ण का जन्म होगा या सचिव के कृष्ण का जन्म होगा। पहले बुद्धि पावन बनेगी, पहले आत्मा पावन बनती है या पांच तत्व जड़ तत्व पावन बन जाते हैं? आत्मा पावन बनती है। तो राधे कृष्ण की जो आत्मा है वो बच्चों की आत्मा है, वो अभी बुद्ध रूपी क्षेत्र में प्रवेश होकर के पांच बजाती है। बुद्ध रूपी पेट है ना, तो बुद्ध रूपी पेट में प्रवेश करके पांच बजाती है तो बच्चे भी निराकारी साक्षात बनेंगे बाप के या बाप पहले से तो प्रकाश बन जाएंगे। बाप बच्चों को साथ लेकर चलते हैं या बाप पहले पहले चला जाता है? ये दुनिया आग की दुनिया होने वाली है, काम क्रोध की आग जल रही है, माया ने आग लगा दी। तो कोई बाप ऐसा होगा कि बच्चों को छोड़ करके पहले भाग जाए परमधाम में अपने घर दूसरे घर में? तो बाप का विरुद्ध है कैसे? निराकारी बाप का विरुद्ध है। साथ रहेंगे, साथ खेलेंगे, साथ जावेंगे। तो बुद्धियों की बात हुई, बुद्धिमान की बुद्धि बाप की बात हुई। बुद्धिमानों की बुद्धि कौन सा बाप है, साकार या निराकार? निराकार। तो वो साथ लेकर के जाएगा। तो जो साकार मनुष्य शक्ति का बाप है और उस साकार मनुष्य शक्ति में जो पहला प्रिंस है उस आत्मा को साथ रखेगा या पहले खुद चला जाएगा? साथ नहीं कर सकते। तो बाप की बुद्धि साक्ष तो बनती है, साथ साथ बच्चे की बुद्धि भी साक्ष बनती है। अगर कृष्ण बच्चे की बुद्धि साक्ष न बने बुद्ध रूपी पेट में तो स्थूल पेट से उसका जन्म कैसे होगा? होगा नहीं होगा। 2018 में
जन्म की बात है, जन्म की बात नहीं है।